नगर में इन्वेस्ट मीट के पूर्व कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन सामने आया है, जहां शहर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले स्मार्ट सिटी नगर निगम प्रशासन के करोड़ों के भ्रष्टाचार पर जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथ में आक्रोश स्वरूप जलती हुई मशाल को थाम प्रदेश सरकार के मुखिया मोहन यादव, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मेयर नगर विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क पर हुंकार भरी और कांग्रेस कार्यालय से राधा तिराहे तक मशाल जुलूस निकालकर भ्रष्टाचार पर जवाब मांगा। इस दौरान शहर कांग्रेस के अध्यक्ष ने इन्वेस्ट मीट के नाम पर फिर लोगों के साथ छलावा कर होने वाली करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची पर भी सरकार को निशाने पर लिया और पूर्व में स्थापित उद्योगों पर आईना दिखा महज कमीशन खोरी का खेल इन्वेस्ट मीट को करार दिया। उन्होंने ऐलान किया कांग्रेस कल मुख्यमंत्री से जवाब मांगेगी और आयोजन स्थल पहुंच प्रदर्शन भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार किए जा रहे भ्रष्टाचार के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी शहर के द्वारा विशाल मशाल जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। आज जो आक्रोश मार्च था कांग्रेस का, सागर को इन लोगों ने प्रयोगशाला बना लिया है, भाजपाइयों ने दलाली का एक अड्डा बना लिया है। सागर में इन्वेस्टर मीट के नाम पे ये इनका दूसरा तीसरा प्रोग्राम है। हमें सुनने में आया है कि दिल्ली की किसी कंपनी को 12 करोड़ रुपए में ये ठेका दिया गया है। 12 करोड़ रुपये अगर सागर की जनता पर खर्च किए जाते तो आप बताइए कितना फायदा। ये एसी में बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे और कल चले जाएंगे और एक आध इंडस्ट्री जहाँ डालेंगे विदेश में तो वो सब अपनी दलाली सेट कर लेंगे। अपन को पता भी नहीं चलेगा कि इनने कहाँ सेट कर ली। ये मध्य भारत एग्रो की बात करते हैं मंडा में कि हमने मध्य भारत एग्रो लगाई है। ये किसी एक व्यक्ति को लाभ देने का इनने काम किया है और एक व्यक्ति को लाभ देने के चक्कर में इनने लाखों लोगों की जान, वहाँ कैंसर हो रहे हैं लोगों को, पीने की व्यवस्था नहीं है, पानी की काला पानी निकल रहा है, आप पी के देख के आइए। आप यहाँ देखिए ये चनाटोरिया है फैक्ट्री, यहाँ देखिए दूषित पानी आ रहा है। तो ये केवल अपने स्वार्थ का काम कर रहे हैं, बाकी भी कहीं जाके आप सोचो ये कोई काम कर रहा हो, ये कहीं ना कहीं देश विदेश में ये जो 4000 करोड़ का ढिंडोरा पीट रहे हैं ये अपनी सेटिंग कर लेंगे। हाँ, आज रात हम पूरी रात यहीं रुकेंगे और समस्त कांग्रेसियों से हमारा आह्वान है कि कल हम यहाँ से चल के मोहन यादव जी से मांग करेंगे कि सागर स्मार्ट सिटी जो 900 करोड़ रुपए आया था, जो आपने सिविल लाइन में, तालाब में, वो पता नहीं काय काय में खर्च, रोड में खर्च कराए भ्रष्टाचार में, हम उसके जांच की मांग मोहन यादव जी से करेंगे।